मोहन की शादी के 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनकी शादी का जश्न अभी तक खत्म नहीं हो रहा। एक बार फिर से नेहा रोहन की धूमधाम से शादी की गई। नाचते गाते बराती आए, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज बनाया गया, बाकायदा जयमाला सेरेमनी होती है, नाच गाना होता है और एक बार फिर से ये रोमांटिक कपल अपनी शादी करता है। अपनी शादी के यादगार किस्से की वजह से फिर से ये कपल सुर्खियों में आ जाता है। जी हाँ, इंडियन आइडल 12 के सेट पर नेहा रोहन की दूसरी बार शादी करवाई गई। बेशक नेहा इस शो की जज हैं, तो ये सेट उनके लिए तो है ही बहुत खास, ऐसे में नए दामाद का स्वागत तो बनता ही था। जी हाँ, रोहन प्रीत दुल्हा बनकर सेट पर आते हैं। शादी के बाद रोहन प्रीत नेहा के साथ पहली बार इस सेट पर पहुँचे तो पूरी महफिल आवादर में लग गई। पूरा सेट खूबसूरत फूलों से सजाया गया। बाराती गानों के साथ रोहन प्रीत एंट्री करते हैं। दोनों ने मैचिंग आउटफिट से लोगों का खूब ध्यान खींचा। जहां रोहन ब्लैक और ग्रीन कोट में नजर आए, तो वहीं नेहा भी ग्रीन और ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और माथे पर बिंदी नेहा की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। लोग शादीशुदा नेहा के लुक की तारीफ करते नजर आए। हालांकि अभी तक ये एपिसोड सामने नहीं आया, लेकिन एक वीडियो में हर्ष भारती, हिमेश रेशमिया और उनकी पत्नी सोनिया कपूर, विशाल ददनानी सब बाराती बनकर रोहन प्रीत का स्वागत करते नजर आए। नेहा रोहन की शादी में कई कंटेस्टेंट एक से एक मजेदार परफॉर्मेंस देते हैं। एक कंटेस्टेंट तो रोहन से उनके रिश्ते का सच भी पूछ बैठती है। तभी रोहन प्रीत ने बताया कि वो खुद और उनका परिवार नेहा और उनकी अचीवमेंट पर गर्व महसूस करते हैं। इतने बड़े स्टेज पर खड़े होने के लिए रोहन प्रीत खुद को शुक्रगुजार मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया था कि वो खुशकिस्मत है कि नेहा की वजह से उन्हें इतने बड़े मंच पर आने का मौका मिला। नेहा कक्कर भी अपने पति की इन बातों को सुनकर स्टेज पर इमोशनल हो जाती हैं। रोहन प्रीत ने इंडियन आइडल के सेट पर बताया कि ये सबसे बड़े स्टेज में से एक है और मैं अपनी पत्नी के कारण इस पर खड़ा हूँ। मैं खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ। रोहन प्रीत ने कहा कि मुझे गर्व होता है कि वो किसी भी चीज को छूती हैं तो वो सोना बन जाती है। मैं वास्तव में खुश हूँ और वो मेरे साथ हैं। रोहन ने कंटेस्टेंट के पूछने पर बताया कि चंडीगढ़ में पहली बार मैंने जब नेहा को देखा तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। जब मुझे फोन आया कि आपको नेहा कक्कर के साथ गाने में काम करना है तो क्या आप करेंगे, मैं जैसे ही वहाँ एंट्री लेता हूँ नेहा कक्कर उन्हें पीछे मुड़कर देखती हैं। दोनों की नजरों ने जिंदगी बदल दी। रोहन ने कहा, वो दिन और आज का दिन आप सभी के सामने है, तो नेहा रोहन को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। नेहा कक्कर और रोहन प्रीत इन दिनों अपना नया गाना ख्याल रख्या कर को लेकर काफी सुर्खियों में है। इस गाने को लेकर नेहा रोहन ने जो मजाक किया वो तो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इनके गाने की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया। शायद तभी ये गाना ट्रेंड करने लगा। जी हाँ, नेहा रोहन ने इस गाने के लिए जो मजाक किया उसके बाद नेहा रोहन अपने फैंस की नजरों में गिर चुके थे। उसके बाद भी इस गाने का अच्छा खासा रिस्पांस मिला। जी हाँ, वो बात अलग है कि लोगों ने इस गाने के लिए अच्छा नहीं कहा, लेकिन फिर भी नेहा रोहन का ये गाना 24 घंटे के अंदर ही 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है। नेहा रोहन के गंदे मजाक के बाद भी ये गाना ट्रेंड में रहा। गाने में नेहा रोहन की केमिस्ट्री की बात करें तो इस गाने में भी नेहा को रोना पड़ता है। जी हाँ, गाने में नेहा रोहन एक दूसरे को टूट कर प्यार करते दिखाई देते हैं और फिर इनकी शादी हो जाती है। नेहा का प्रेगनेंसी रोल दिखाया जाता है। नेहा अपनी प्रेगनेंसी को खूब इंजॉय कर रही होती है। रोहन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को खूब घुमाते फिराते दिखते हैं, लेकिन तभी अचानक से गाने में दुर्घटना हो जाती है। जी हाँ, नेहा के लिए रोहन आइसक्रीम ला रहे होते हैं, तभी कार एक्सीडेंट में रोहन गुजर जाते हैं। नेहा अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाती हैं कि उनके पति रोहन गुजर जाते हैं। ये सब नेहा रोहन के गाने की थीम है। नेहा रोहन के लिए खूब रोती हैं। उसके बाद रोहन दूसरे रोल में नेहा के बेटे के रूम में नजर आते हैं। दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि रिलीज होने से पहले ही इन्हें खूब घटिया कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। वैसे आपको नेहा रोहन का ये नया गाना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेहा कक्कर की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर हर कोई शॉक्ड है। जिस तरह से नेहा कक्कर ने चट मंगनी की और पट बिहार रचा लिया,
अपने रिलेशनशिप की कानों कान किसी को खबर तक नहीं होने दी। उसी तरह से उन्होंने झटपट प्रेगनेंसी की खबर से हर किसी को शॉक्ड कर दिया। बेशक नेहा के परिवार में खुशियों का माहौल होगा, लोग जश्न मनाने में लगे होंगे, लेकिन रोहन प्रीत खुश नहीं होंगे, क्योंकि कपिल के शो में रोहन प्रीत कह चुके हैं कि वो अभी खुद बच्चे हैं, तो शादी का विचार तो कर ही नहीं सकते। जी हाँ, कपिल के शो में नेहा रोहन ने बताया था कि नेहा शादी के लिए तैयार थी, लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं थे। नेहा अपनी उम्र की वजह से रिलेशनशिप में ना रहकर सीधे शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये बात रोहन से साफ कह दी थी, लेकिन रोहन प्रीत ने उस वक्त शादी के लिए मना कर दिया था। रोहन ने कहा था कि उनकी उम्र अभी शादी वाली नहीं है। खैर, जैसे तैसे रोहन अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बिना नेहा के रह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसी रात शादी का फैसला कर लिया और फिर क्या, इनकी झट मंगनी पट ब्याह हो गया। अभी इनकी शादी के 2 महीने भी नहीं हुए कि नेहा रोहन पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, और ये रोहन के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जहां रोहन शादी के लिए इनकार कर रहे थे और अब वो पिता बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में रोहन के लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला है। क्या वो नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर खुश है? वैसे आपको नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर क्या कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। नेहा रोहन की जोड़ी को देखकर भले ही लोगों ने इनकी उम्र को लेकर बातें बनाई, लेकिन इनका प्यार इतना मजबूत दिखा कि उम्र का फासला खत्म ही हो गया। वैसे तो रोहन प्रीत शादी के मूड में नहीं थे, लेकिन नेहा के कहने पर रोहन ने नेहा से शादी की, ऐसा खुद रोहन प्रीत ने कपिल के सेट पर कहा। रोहन प्रीत ने कहा कि हम अगस्त के महीने में नेहू द विवाह के गाने की शूटिंग पर मिले थे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रोहन प्रीत ने कहा कि मैं नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन इतना सब हो जाएगा, हम दोनों को इसकी कभी उम्मीद तक नहीं थी। नेहा की आदतें रोहन को इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो सेट पर ही उन्हें दिल दे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे से कुछ दिन बात की, दोनों को एक दूसरे की आदतें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, जिसके बाद रोहन ने हिचकते हुए नेहा से स्नैपचैट आईडी ली। नेहा ने बिना कुछ सोचे समझे रोहन से बातचीत करना शुरू कर दिया। रोहन ने जब नेहा को प्रपोज किया तो वो खुश तो बहुत हो गई थी, लेकिन वो सोच में पड़ गई थी, क्योंकि नेहा शादी करना चाहती थी और रोहन शादी करना नहीं चाहती थी। अब वो कोई रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेहा को अपनी उम्र की भी चिंता हो रही थी। तो कपिल शर्मा शो में नेहा ने बताया कि वो शादी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुल हैं और उनके पास सब कुछ है, तो वो ऐसे में रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं थे। नेहा ने बताया कि रोहन प्रीत सिंह ने उनसे कहा कि अभी सिर्फ 25 साल के हैं, तो ऐसे में उनकी उम्र शादी के लायक नहीं है। फिर एक रात रोहन प्रीत ने नेहा से कहा कि उनके बिना वो रह नहीं पाते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। रोहन प्रीत ने ड्रिंक की हुई थी, तो नेहा को लगा कि वो अगले दिन सब भूल जाएंगे, लेकिन रोहन सीरियस मूड में थे।